Hello everyone and welcome to Navbharati family. So this video is for class 10th and this video is about the poem The Lotus. We are done with the poem Risk and My Good Right Hand. Now this is the third poem of class 10th and name is The Lotus. Lotus ka matlab to aap sabko pata hi hoga and this poem is composed by Toru Dutt. She is a poetess. All right. Actually, this poem is all about a conversation between love and Flora. And in this poem, love indicates the god of love and Flora indicates the goddess of flowers and vegetation. ठीक है, मतलब जो love है वो प्यार के देवता को indicate करता है, god of love. और यहाँ पे जो Flora है वो फूलों की रानी, फूलों की देवी को indicate कर रहा है. ठीक है, तो इस पोयम में इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है. किस बारे में कॉन्वर्जेशन हो रही है? कि जो लव है, द गॉड ऑफ लव है, ही गोज टू द गॉडेस ऑफ फ्लोरा एंड आस्क फॉर अ फ्लावर विच कंटेन्स द क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली. क्योंकि इस पोयम में रोज और लिली कॉम्पिटिटर्स है. ठीक है, रोज़ की अलग क्वालिटीज़ है, लिली की अलग क्वालिटीज़ है, लेकिन जो लव है उसको एक ऐसा फूल चाहिए जिसमें रोज़ की भी क्वालिटी हो, रोज़ जैसा वो रेड हो, और लिली की भी क्वालिटी हो, लिली की तरह खूबसूरत हो और थोड़ा वाइट हो. ठीक है, तो वो गॉडेस के पास जाता है और वो इस ऐसे फूल की मांग करता है जिसमें रोज़ और लिली दोनों की क्वालिटी हो. फिर जो गॉडेस है वो कौन सा फूल बताती है? लोटस. वो लोटस के बारे में बताती है विच कंटेन्स बोथ दी विच हैज़ बोथ दी क्वालिटीज ऑफ रोज एंड अ लिली. ऑलराइट, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा वन. लेट मी राइट. ओप्स, स्टैंजा वन. लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर. That would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long, long had been rivals for that high honors. First line dekhi, love came to Flora asking for a flower. Here love means the god of love and Flora means the goddess of flower. Love flower ke paas aata hai aur एक ऐसे फूल के लिए आता है. दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि सारे फूलों की ऐसी रानी हो. अनडिस्प्यूटेड मतलब होता है विदाउट एनी डिस्प्यूट, कोई बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी शक के वो फूलों की रानी हो. ठीक है, इन दोनों लाइन का मतलब देखिए, जो लव है वो फ्लोरा के पास जाता है एक ऐसे फूल की मांग करने के लिए जो सारे फ्लावर्स कि रानी हो. रानी मतलब कैसे रानी बनेगी? जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हो कि अनडिस्प्यूटेड क्वालिटीज़ हो, विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट एनी डाउट उसको कंसिडर कर सके टू बी द क्वीन ऑफ फ्लावर. ठीक है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर्स. जो लिली और रोज़ है वो काफ़ी टाइम से ना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं. कॉम्पिटिटर्स कैसे? रोज़ और लिली की, इन दोनों में से कौन सा? राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स. ऑलराइट, और हाई ऑनर्स मतलब द स्टेटस ऑफ बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. तो लिली और रोज जो है वो काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटर्स हैं. क्यों? क्योंकि रोज कहता है कि मैं सबसे सुंदर फूल हूँ और लिली कहती है नहीं, मैं सबसे सुंदर फूल हूँ. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है. तो इस स्टैंजा में यही बताया है कि जो गॉड ऑफ लव है वो गॉडेस के पास जाता है ऐसे फ्लावर्स की, ऐसे फ्लावर के बारे में पूछने के लिए, ऐसे फ्लावर के बारे में जानने के लिए जो सारे फ्लावर्स को, सारे फ्लावर्स की रानी हो सके. क्योंकि जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, रोज़ की क्वालिटीज़ हो, लिली की क्वालिटीज़ हो, और अनडिस्प्यूटेड हो, विदाउट एनी डिस्प्यूट और विदाउट एनी डाउट्स हो. ठीक है, और दूसरी तरफ जो रोज़ है और लिली है वो दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, बिकॉज दे बोथ फाइट फॉर बीइंग दैट हाई ओनर, ऑनर, सॉरी आई फंबल, फॉर हाई ऑनर द स्टेटस ऑफ बीइंग द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर. सो वी आर डन विद स्टैंजा फर्स्ट, नाउ वी विल कम ऑन स्टैंजा सेकेंड.
नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेंजा टू. स्टेंजा टू में क्या हो रहा है कि स्टेंजा फर्स्ट में लोटस को जब डिसाइड करा गया टू बी द क्वीन ऑफ फ्लावर्स बिकॉज लोटस इज सो चार्मिंग एंड ग्लोरीफाइंग, तो फिर क्या होता है जो लिली और रोज के बीच में जो कॉम्पिटिशन था, दोनों राइवल्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, तो उन दोनों के लिए काफ़ी जो पोइट्स हैं, काफ़ी शक्तिशाली जो हमारे कवि हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि या तो मतलब रोज़ के लिए दावा कर रहे हैं और लिली के लिए, या तो रोज़ अच्छा है या लिली अच्छी है, दोनों आर्ग्यूमेंट काफ़ी जो पोइट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दैट हु इज़ बेटर, लिली और रोज़. सो दिस स्टैंजा इज़ अबाउट दैट. Let's read. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien. But is the lily lovelies thus between? Flower factions rang the strife in Psyche's bower. Bards of power matlab eminent poets. Eminent matlab shakti shali kavi. शक्तिशाली कवि. बार्ड्स ऑफ पार मतलब शक्तिशाली कवि. हैड संग देयर क्लेम्स, ये दावा करते हैं कि जो रोज है, रोज कैन नेवर टावर. टावर का यहाँ पे मतलब है स्टैंड हाई, सर्वोच्च. जो रोज है वो कभी भी बहुत ऊंचा नहीं हो सकता इन कंपैरिजन टू लिली. लाइक द पैल लिली. पैल मतलब येलोइश, पीलापन थोड़ा सा. लिली विथ हर जूनो मीन. जूनो मतलब यहाँ पे क्या है, द गॉडेस नोन फॉर हर ब्यूटी. एक देवी है जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, और वी कैन से हाँ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी. मीन मतलब यहाँ पर है अपीयरेंस, लुक, बहुत सुंदर दिखती है. तो ये दो लाइन्स देखिए. बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन. जो काफ़ी शक्तिशाली कवि है ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये दावा करते हैं कि जो रोज़ है वो लिली के कंपैरिजन में ऊंचा नहीं उठ सकता, क्योंकि जो लिली है वो बहुत सुंदर है, पेल मतलब थोड़ी येलोइश है, अपने मतलब कैसे गॉडेस ऑफ नोन फॉर द ब्यूटी, जूनो मीन की तरह. जूनो मीन इज़ नॉट द सरनेम, जूनो इज़ डिफरेंट एंड मीन इज़ डिफरेंट. मीन मीन्स अपीयरेंस, जूनो की तरह सुंदर है, ठीक है. बट इज द लिली लवलीज, क्या लिली बहुत प्यारी है. दस बिटवीन, इसी प्रकार फ्लावर फैक्शंस रेंग द स्ट्राइफ इन साइकीज बोर. फ्लावर फैक्शंस मतलब हमारा होता है सेवन, वेरी सेवन ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. एट मतलब झगड़ा, एट सॉरी एट मतलब नहीं, एट में है स्ट्राइफ. स्ट्राइफ मतलब होता है झगड़ा करना. नाइन टेन साइकीज बोअर, इन दोनों का मैंने यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया नाइन. साइकी का मतलब होता है मन, मन ही मन में. बोअर, बोअर मतलब लता मंडप, शेडी ग्रोव ऑफ ट्रीज, लता यू नो ग्रुप ऑफ शेडी ग्रोव्स ऑफ ट्री. लता मंडप हाउ कैन आई एक्सप्लेन, लाइक यू नो बहुत इसमें लता मंडप इट निकेट्स द कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन ये है कि क्या लिली हमारा ज़्यादा अच्छा है या हमारा रोज ज़्यादा अच्छा है. तो इन दोनों लाइन का हम देखेंगे कि लेकिन क्या लिली ज़्यादा प्यारी है. इसी प्रकार जो फ्लावर्स हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, वो झगड़ा करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फ्लावर अच्छा है, मन ही मन में, ठीक है. तो इस पूरे का मतलब ये होता है बार्ड्स ऑफ पार्ट्स हैड संग देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन. बट इज द लिली लवलीज दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रिंग द स्ट्रीफ इन साइकीज बोवर. तो यही बताया है रोज और लिली के लिए काफ़ी जो कवि हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, दावा करते हैं कि रोज हमारा ज़्यादा अच्छा है, रोज के कंपैरिजन में लिली कुछ भी नहीं है, लिली के कंपैरिजन में रोज कुछ भी नहीं है, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग बहुत अच्छी. जो रोज है वो लिली जितना ऊंचा नहीं उठ सकता, क्योंकि जो लिली है वो जो हमारी गॉडेस ऑफ ब्यूटी है उसी प्रकार सुंदर है. लेकिन लिली, लेकिन बात करते हैं फिर प्यारेपन की, लवलीज की, जो तो जो रोज़ है वो ज़्यादा प्यारा है लिली से. तो ऐसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ क्लेम्स ये लोग कवि करते हैं, पोइट्स ऐसे क्लेम्स करते हैं दैट विच फ्लावर इज मच बेटर. क्योंकि लोटस को कौन सा फ्लावर बीट कर सकता है, बिकॉज लोटस इज द साइन ऑफ
love and charming it, and this is lotus is so charming in comparison to any flower. So as I said, lily and rose were rivals, so they both are fighting to be on the place where lotus is. All right, so we are done with stanza 2. Now we will talk about stanza 3. Okay, now let's talk about stanza 3. Stanza 3 mein kya hai, the god of love jo hai, he goes to the goddess of flora and asks for a flower which contains both the qualities of rose and lily. ठीक है, तो हम देखते हैं उसने किस प्रकार से, किस तरह से पूछा है. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in their pride. But of what color? Rose red? Love first chose? Then prayed? No, lily white or both provide. Give me a flower delicious as the rose. जो love है वो फ्लोरा को बोलता है कि मुझे ऐसा फूल दो जो रोज की तरह डिलीशियस, मतलब चार्मिंग, काफी सुंदर, रोज की तरह बहुत सुंदर हो. एंड स्टेटली एज द लिली इन देयर प्राइड. स्टेटली मतलब शानदार, मजेस्टिक, बहुत अमेजिंग. लिली की तरह, जब लिली कुछ, लिली जो फ्लावर है, जब वो प्राइड फील करती है तो वो और ज्यादा सुंदर और ज़्यादा शानदार लगती है. या तो मुझे ऐसा फ्लावर दो जो कि रोज़ की तरह चार्मिंग हो, सुंदर हो, या लिली की तरह बहुत शानदार हो. बट ऑफ वॉट कलर, कलर. फिर जो फ्लोरा है वो लव से पूछती है, लेकिन कौन से कलर का. लव बोलता है रोज़ रेड. पहले वो चूज़ करता है रोज़ रेड, रेड की तरह, सॉरी, रोज़ की तरह रेड कलर चूज़ करता है. लव फर्स्ट चूज रोज रेड, मतलब जो लव है वो पहले रेड कलर चूज करता है एज रोज. देन प्रेड, फिर वो बोलता है, फिर वो चेंज कर देता है, नहीं नहीं लिली की तरह वाइट. या तो पहले वो रेड कलर चूज करता है, फिर वो बोलता है नहीं लिली की तरह वाइट, लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, और बोथ प्रोवाइड, या फिर ऐसा फूल दो जिसमें दोनों कलर हो, रोज की तरह रेड हो और लिली की तरह वाइट हो. और ऐसा फ्लावर कौन सा है हमारा, द लोटस. So guys, we are done with stanza 3. Now there are 2 lines left. Okay? फिर अब हम बात करते हैं stanza 4 की. इसमें क्या होता है, लास्ट में जो लव है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो फ्लोरा है उसको ऐसा फूल देती है जिसमें दोनों क्वालिटीज है. आते हैं हम लाइन्स पे. एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ग्लोज. फिर जो फ्लोरा है वो लव को लोटस देती है जो कि रोज की तरह रेड है और लिली की तरह वाइट है. द क्वीनलीस्ट मतलब द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फ्लावर. That blue, that blows. Blow मतलब blooms, खिलना. जब फूल खिलता है उसको हम बोलते हैं blows. And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white the queenliest flower that blows. अब जो Flora है वो love को lotus flower देती है जो कि rose की तरह red color है और lily की तरह white है और सबसे सुंदर flower है, सबसे सुंदर फूल है जो खिलता है. ठीक है, तो लव की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है बिकॉज जो लोटस है दैट हैज बोथ द क्वालिटीज. द लोटस इज रेड एज रोज एंड वाइट एज लिली, चार्मिंग एज रोज एंड स्टेटली एज लिली. सो वी आर डन विद द पोयम द लोटस. ओके, यू गाइज हैव टू डू, what you guys have to do is you guys have to write contest, context and reference and explanations so that it will be easy for you. Okay, so guys, thank you so much.